हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम अभी पीसी का प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, डायफ्राम ब्लेंडिंग का। और इससे पहले हम पिछला वीडियो में ये ब्लो रूम कार्डिंग और ड्रॉप फ्रेम सिंपलेस का बारे में बता चुके हैं। ये वीडियो में अपना रिप फ्रेम ऑटोकॉनर का बताएंगे और कैसे उसका ब्लेंड के हिसाब से रिकवरी का स्टैंडर्ड कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, अभी देखिए। पहले जैसे अपन रिम फ्रेम में LMW रिम फ्रेम का लिए हुए, तो इसमें बटन रोल गेज अपन 48-70 कर देंगे, चाहे 52-48 चलाओ या 65-35 चलाओ। और एवरेज फिल्डर स्पीड देखो, अपन 52-48 में दो काउंट बनेगा, 20 काउंट हो 24 काउंट, और 65-35 में एक ही काउंट 30 काउंट बनेगा। तो एवरेज फिल्डर स्पीड मैंने 16,000 पकड़ा 20 काउंट में, 17,000 24 काउंट में, 18,000 पकड़ा मैंने 30 काउंट में। TM इसमें 3.5 लिया हुआ, इस पर 3.6, इस पर 3.4, इस पर 3.4 इसीलिए लिया हुआ, इस पर तो एक तो अपना 65% पॉलिएस्टर है और 35% कोम्बर का माल है, और इसमें फाइबर लेंथ भी बढ़ जाता है और पॉलिएस्टर भी ज़्यादा है, इसीलिए अपन TM कम लिया हुआ। और ये दो मटेरियल में अपन TM थोड़ा 3.5-3.6 थोड़ा बढ़ा के लिया हुआ, और TPI उसी हिसाब से 15.65, 17.63, 18.62 आएगा। तो उसके बाद ग्राम्स पर स्पिंडल 100%, 368 ग्राम 20 काउंट में, 289 ग्राम 24 में, 232 ग्राम है 30 काउंट में। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मेरा बेसिक फार्मूला का वीडियो मैंने अपलोड किया था ना, उसमें देखिएगा 7.2 का क्या मतलब होता है, उसी से फिर अपन ये GPS वगैरह निकालते हैं। GPS वगैरह निकालने का 7.2 इंटू स्पिंडल स्पीड, एवरेज स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाई TPI डिवाइड बाई रैपिंग, उस पर आ जाएगा GPS। तो ये 100% GPS हो गया, 368 ग्राम 20 काउंट, 289 ग्राम 24 काउंट, 232 ग्राम 30 काउंट, 98.5% यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन अपन 98.5% के हिसाब से ले ले तो 362 ग्राम, 284 ग्राम, 228 ग्राम बैठेगा 20, 24 और 30 में। ऐसे ही एफिशिएंसी अपन 20 काउंट में 90%, 24 में 91, 30 में 93 पकड़ा हुआ, तो एफिशिएंसी के साथ GPS बैठेगा 325 ग्राम, 258 ग्राम और 212 ग्राम। उसी हिसाब से रिम फ्रेम पर प्रोडक्शन 8 आवर एक रिम फ्रेम में, ये आपकी 1008 स्पिंडल का रिंग मैंने पकड़ा हुआ, तो 327 केजी 20 काउंट में, 260 किलो 24 काउंट में, 213 किलो 30 काउंट में बैठेगा। और एक दिन का देखा जाए तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये सब 3 मल्टीप्लाई करने से एक दिन का प्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद देखिए रिंग ट्रेवलर अपन 2 नंबर C1 MM UDR ब्रेकर का रिंग ट्रेवलर यूज करते, ब्रेकर या कनाई यूज करो, आराम से 13-14 दिन 15 दिन तक चल सकता है। और C1 MM UDR 2 नंबर का 20 काउंट में, 10 का है 24 में, और 20 का अपना 30 काउंट में। और रिंग ट्रेवलर का मैं आपको पहले बार भी बताया, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं रहता, जैसे आपकी रिंग पुराना होगा तो भारी छल्ला लगेगा, रिंग नया होगा तो हल्का छल्ला लगेगा, वो रिंग डायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। रिंग डायर छोटा होगा तो हल्का छल्ला लगेगा, स्पीड ज़्यादा लेगा, तो उसी हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर ये C1 MM UDR नहीं मिला ना, तो MSHF जो कनाई का है ना, कनाई का ये छल्ला भी आप यूज कर सकते हो, जापान का है, बढ़िया छल्ला है वो, कनाई का भी छल्ला ये वाला MSHF वाला प्रोफाइल का यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो IPI मैंने 20 से 20 काउंट के लिए 52-48 में 160 से 180, और 24 में 200 से 250, और 65-35 में 40 से 60 लिया हुआ, ये IPI का उसी रेंज में रहेगा तो बढ़िया क्वालिटी रहेगा। RKM इसमें 25 के आसपास आएगा और इसमें 28 आएगा RKM। CSP थोड़ा इसमें ज़्यादा आ जाएगा, क्यों 65-35 का मटेरियल में थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा, कोम्बर की स्लाइब रोबिंग ये फाइबर भी डाले हुए, तो उसी हिसाब से ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट देखो अपना ऑटोकॉनर के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑटोकॉनर गेज इंपॉर्टेंट है अपना 52-48 कार्डर में। देखो इसमें क्या
कर्टन भी ज़्यादा परसेंटेज है और इसमें लेप्स वगैरह भी रहता है थोड़ा ज़्यादा, तो इस पर थोड़ा वाइटर गेंद रहता है, फिर भी अपन 5 से 5.5 तक रख लो कि बढ़िया है लेप सेटिंग। और DS 2.2 है और LS 2.3 है, ये थोड़ा क्या कर्टन ज़्यादा होने के कारण तो बल्कि रहता है और कार्डेड भी है, तो इसीलिए इसमें LS भी ज़्यादा रखने का, DS थोड़ा ज़्यादा रखने का। और DL 1.28 है, LL 30 -D 20 -L 30 प्लस माइनस डाया मास का जो 9% काउंट का प्लस माइनस 9% डाया बेस में रहेगा। ऐसे ही 535 काउंट में ये 30 काउंट हो गया, ये हो गया 20 और 24 काउंट का, ठीक है। इसमें नेप सेटिंग अपन 4.5 रखे, कोई कभी जरूरत पड़ेगा 4 तक भी आप कर सकते हो नेप सेटिंग। और DS देखो 2.1 है, LS 1.9 और DL 1.25, LL 24 है, -D 16 है, -L 24 है, डाय डिफरेंस 8%। ये थोड़ा टाइट है, उसे 52 गैस है, थोड़ा टाइट रहेगा क्योंकि ये पूरा कोम्ड का है और 65% पॉलिस्टर भी है, और इसमें इसीलिए टाइट गेज अपन को चाहिए। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, देखो एक अपना पीसी में जो आता है रिकवरी कितना आना चाहिए ब्लेंड वाइज, और उसका मैं बताने जा रहा हूँ, और इसको ठीक से समझिएगा तो बराबर चलेगा, नहीं समझेंगे तो फिर वो दिक्कत जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपना रियलाइजेशन के बारे में बोल रहा था, या अनरियलाइजेशन बारे में, अगर अपन 100% पॉलिएस्टर कभी चलाते हैं ना, उसका रियलाइजेशन आता है 97.5%, 100% कार्डेड चलाता है 87% आता है, और वो 100% कोम्ड चलाता है तो 69% आता है, सब्जेक्ट टू नायल 18%। और नायल अगर 18% से ऊपर हो गया फिर, और ये घट जाएगा या कम होगा ये बढ़ जाएगा। तो अपन पीसी में जैसे मैंने 4 ब्लेंड बताया था, 52-48 कार्डेड, 65-35 कार्डेड, 52-48 कोम्ड, 65-35 कोम्ड, इसका ब्लेंड के हिसाब से रिकवरी या रियलाइजेशन का देखो, जैसे 52% हो गया पॉलिस्टर, 48% हो गया कार्डेड, तो 52% का ये पॉलिस्टर का हो गया 97.5% प्लस 48 का कार्डेड का हो गया 87%, इसका 52 × 97.5% 48 × 87% ये दोनों जो वैल्यू आया मिला देने का वो आ गया रियलाइजेशन 52-48 का। ऐसे ही 65-35 में देखो, 65 × 97.5% 35 × 87% दोनों मिला के ये 65-35 कार्डर में 93.82 आ जाएगा। ऐसे 52-48 कोम्ड में देखो, यहाँ कोम्ड की जगह अपन 69% लिया हुआ दोनों, उसी हिसाब से कोम्ड के केस में रियलाइजेशन बहुत कम आ जाता है। तो ये रियलाइजेशन निकालने का पीसी ब्लेंड का तरीका है, अगर आपको रियलाइजेशन का ब्लेंड के हिसाब से नहीं निकाल पाओगे तो कैसे उसको मैनेज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसको बढ़िया से पढ़िए और इसको समझिए एक बार, और मेरे को विश्वास है ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।